गुजराती ने शुरू किया है डिश, गुजराती लोग बनिया लोग बोलते हैं लोग, सो इसलिए उसको बनिया चाव बोलते हैं, बनिया चाव से बनी चाव हो गया है। इंडियंस, वाइट्स, कलर्ड, अफ्रीकन्स, ये किसी रेस का खाना नहीं है, ये सब जनरली सबका खाना है। सी बनी चाव अपना वेजिटेरियन है, सो नॉन वेज में ही बनता है, चिकन में बनता है, मटन में बनता है, प्रॉन्स में बनता है। I've been eating bani chow since I was a small child. I grew up in Durban and bani chow has always been a popular food in Durban. It's got a South Indian kind of cuisine, and this is a basic beans bani, and it's excellent. Because local ka food different hai, apne Indian ka food different hai. So हम लोकल इंडियन कंबाइन करके हम मसाला करके बनाते हैं। सीधे से जो मसाले आते हैं जो अपने इंडिया से ही आते हैं, जीरा आता है, तज आता है, स्टार सीड आता है, राई, ये सब इंडिया से ही आते हैं, मगर क्या है कि हम लोग लोकली बाई करते हैं। इसके बाद वो सब सब्जी बना के उसको मिक्स करता है, इसके बाद बीन्स को बॉईल करके डालना पड़ता है अंदर, वहाँ से बाद में इसके बाद ब्रेड आती है, ब्रेड को काट के रेडी करना पड़ता है। ब्रेड रेडी होने के बाद काउंटर पे आ जाता है, उसके बाद कस्टमर को हम सर्व करते हैं। ये रेडी टू ईट है, इसके लिए ज़्यादा रुकने नहीं पड़ता है किसी के, एकदम अफोर्डेबल है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है। I enjoy it because of our curries and our Indian curries. That's why I eat the bani. पब्लिक बनी चाव खाने के लिए स्पेशल दरबन आती है।